कुछ बोला? नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कल मैच है जी, एक और भारत का अफगानिस्तान के साथ। वैसे जिस तरह से वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था, हमें तो लगा अब तक सेमीफाइनल की टिकट पक्की हो चुकी होती। अफगानिस्तान के साथ एक मुकाबला होता जिसमें भारत अपनी ताकत दिखाता, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह भारत ने दोनों मुकाबले खेले हैं, अब तो यह भी कहना होगा कि अफगानिस्तान से भी डर लगता है, क्योंकि उनके पास जबरदस्त स्पिनर्स हैं। और आपने देखा है इस वर्ल्ड कप में स्पिनरों के खिलाफ भारत कमजोर ही दिखा है। पहली जीत का इंतजार है विराट कोहली की टीम को। आज कई सवाल हैं जो हम उठाएंगे इस शो में, क्योंकि अब अफगानिस्तान से भी अगर डर लग रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि ये वर्ल्ड कप का कैंपेन भारत के लिए क्या से क्या हो गया। आज भारत की प्रैक्टिस हुई, बैटिंग कोच विक्रम राठौर आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि कुछ प्लान्स थे, लेकिन प्लान्स जो हैं वो हकीकत में तब्दील नहीं हो पाए। मदन जी स्टूडियो में हैं और सनी भाई सुनील गावस्कर हमारे साथ दुबई से जुड़ेंगे। सनी भाई भी हैं, मदन जी भी हैं, लेकिन फिलहाल ये देखते हैं कि भारत के लिए आज ये स्थिति, ये हालात कैसे बने। ये क्या हाल बना रखा है इस टीम ने, क्या हाल हो गया है हिंदुस्तान की टीम का। आपका हाल और ख्याल तो हमें पता है कि अच्छा नहीं है। दो में से एक मैच जीतना था, एक आसान ग्रुप से सेमीफाइनल में जाने के लिए, और दोनों के दोनों मैच में विराट की टीम मुंह के बल खाई, जमीन सूंघी। अब भिड़ंत है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से भी हार मत जाना, इस कदर भरोसा उठ गया है विराट की टीम से। दूसरा कोई दिन होता तो हम कहते कि अफगानिस्तान क्या बिगाड़ लेगा, माना कि राशिद है, माना कि नबी है, लेकिन है तो अफगान टीम ही ना। कुछ नहीं होगा, इंडिया जीतेगा, वो भी बड़े आराम से। लेकिन क्या ये बात आज की तारीख में इतने ही भरोसे के साथ कही जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक एक खिलाड़ियों के चेहरे पर हार का डर हावी हो तो जीत की बातें करना अच्छा नहीं लगता। बल्लेबाजों को मानो सांप सूंघ गया है, गेंदबाजों को मानो काट मार गया है। ये चैंपियंस थे, शायद आगे चलकर बड़ा काम भी करेंगे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये क्या बल्लेबाजी हुई है, बेकार बेदम। जैसे कोरम पूरा करने उतरते हैं ये क्रीज पर। और गेंदबाज इंडिया की जान थे और विकेट लेने से अनजान है, जैसे भूल गए हो कि गेंदबाजी कैसे की जाती है। पहले पाकिस्तान ने इन्हें कूटा, रही सही कसर न्यूजीलैंड ने निकाल ली। अब बस अफगानिस्तान के खिलाफ भी ये हवा हवाई न हो जाए। आज तक ब्यूरो। सोचा था आप लोगों ने कि आज अफगानिस्तान के मैच में हम ये कहेंगे कि अफगानिस्तान से भी डर लग रहा है। सनी भाई, वाकई जिस तरह से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है भारत के लिए, डर तो अफगानिस्तान से भी लगना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान से डर लग रहा है, पर ये एक ऐसी मस्ट विन मैच हो गई है, क्योंकि शायद इसके पहले आप थोड़ा सा, अगर आपने पहले दो मैचेस जीते होते तो फिर आप इस मैच को थोड़ा सा लाइटली ले सकते थे। अब इस मैच को आप लाइटली ले नहीं सकते, पर नहीं, अफगानिस्तान से डर नहीं लग रहा है। ये बात बिल्कुल सही है नहीं, क्योंकि हमारी टीम बड़ी चैंपियन टीम है और वापसी कर सकती है। मैं जानता हूं कि वो एक बिल्कुल स्लिम सा चांस है, पर उसके बारे में सोचने से पहले ये मैचेस जीतने और बड़े मार्जिन से जीतने, और उसके लिए हमारी टीम के पास काबिलियत है। सनी भाई, आपने कहा कि एक छोटा सा स्लिम सा चांस है भारत का, और समीकरण तो अब लोग समझते हैं कि अगर हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, स्कॉटलैंड को हरा दिया, नामीबिया को हरा दिया, और उधर से अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, फिर नेट रन रेट पे बात आ गई, ये भी हो सकता है कि अफगानिस्तान भी एक कंटेंडर हो उस वक्त। लेकिन जिस तरह का खेल है और जो
ड्रेसिंग रूम की बातें आ रही हैं बाहर, या जो खेल हम आपने देखा है उसको देखते हुए क्या टर्न अराउंड पॉसिबल है यहां से? जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए आप जो आप नाम देखिए भारतीय टीम के जो नाम है देखिए सब बेहतरीन खिलाड़ी है। हाँ दो मैचेस में उनको उनका जो गेम था वो खेलने नहीं दिया, तो उसकी हम प्रशंसा करनी चाहिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कि जिस तरह से उन्होंने पकड़ के रखा था हमारे बल्लेबाजों को, पर हम जानते हैं कि किस तरह से वो खेलते हैं और इसी की वजह से मुझे तो वो विश्वास है कि मैं आशावादी हूँ, मुझे विश्वास है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ये गेम पलटेगा और उसके शायद भारतीय टीम की जो किस्मत है वो भी पलटेगी, अच्छे के लिए पलटेगी। मदन जी जो सनी भाई कह रहे हैं क्या वाकई में जो बड़े नाम हैं, नाम तो बड़े थे ही हमेशा से थे ही, खेल वैसा नहीं दिखा, लेकिन इस मैच को जीतने के लिए आपको क्या टर्न अराउंड दिखता है, क्या ऐसी चीज दिखती है जहां हम ये कहें कि ये मैच तो ठीक है, ये मैच तो भारत जीत सकता है, जीतेगा भी, लेकिन सेमीफाइनल में भी जाना, ये आपको क्या ऐसी चीज है जो उम्मीद दिखाती है? नहीं देखिए, पहले तो हमें कल के मैच के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल सनी भाई ने ठीक कहा, देखिए प्लेयर क्षमता रखते हैं तभी उनके, अगर आप उनकी बैटिंग पीछे पीछे चले जाइए, आप उन्होंने बैटिंग बहुत बेहतरीन की है, दो मैचेस में बिल्कुल उनका जो प्लानिंग था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का वो हमारी टीम के ऊपर बल्लेबाजों के ऊपर काफ़ी भारी पड़ा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए जो बैट्समैन है जो शुरू शुरुआत में जब बैटिंग करते हैं 6 ओवर में पावर प्ले में भी अगर नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी आप 40-50 रन बना सकते हैं। अगर आप जो बटलर की बैटिंग देखें कल हमने दोनों मैचेस में देखी है, और अग्रेशन भी उसने दिखाया है और ग्राउंड शॉट्स भी उन्होंने काफ़ी बेहतरीन खेले हैं, तो रन बनते चले जाते हैं और अटैक तो करते ही करते हैं, पर एक बात जरूर है कि जो शॉट्स खेलने का फेयर है वो नहीं होना चाहिए, डबल माइंड नहीं होना चाहिए, तभी आपके शुरू शुरू में रन बनते हैं। कल के मैच की बात करते हैं, मतलब इंग्लैंड के भी 35 रनों पर 3 विकेट गिर गई थी, उनके भी 50 ओवर में आई थिंक 10 ओवर में आई थिंक 47 या 48 रन ही थे, लेकिन चूंकि इंग्लैंड रुका नहीं, इंग्लैंड ने पहले सेंसिबल तरीके से वापसी की, उसके बाद जॉस बटलर ने मॉर्गन ने धुआंधार पारी खेली और हुआ यह कि उन्होंने 163 बोर्ड पर लगाए, अच्छा मैच बनाया उस वक्त, लेकिन उसके बाद वो जानते थे कि गेंदबाजों को जाके 10 विकेट लेनी है और 10 विकेट लेकर उन्होंने उस मैच को जीता। लोग कहेंगे कि भाई सामने श्रीलंका था, श्रीलंका की बैटिंग कमजोर थी, न्यूजीलैंड ने वापसी कर ली, इंग्लैंड ने वापसी कर ली, लेकिन वो विश्वास जब होता है कि हम हार नहीं मानेंगे, वो शायद भारत के इस खेमे में नहीं दिखा है, और कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा कि उसकी जिम्मेदारी कप्तान से शुरू होती है, खत्म तो नहीं होती लेकिन शुरू जरूर कप्तान से ही होती है। Beautiful. We're out. You got to carry on. 7,765 test run, 12,165 T20 run, 118 अर्धशतक, 70 शतक. क्या नहीं है विराट के पास? रन है, धन है, दौलत है, शोहरत है। सोशल मीडिया पर दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले और सराहे जाने वाले क्रिकेटर हैं विराट। बस एक ही चीज नहीं है, वो है किसी भी टूर्नामेंट में कोई कप। आईसीसी टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जैसे अजीम टूर्नामेंट्स तक की बात छोड़िए, जनाब के पास एशिया कप या आईपीएल खिताब तक नहीं है। विराट की कप्तानी में क्या कोई खोट है? अपनी टीम को लड़ा क्यों नहीं पाते विराट? कोई कप क्यों नहीं जीत पाते विराट? ऐसा क्यों है कि क्रिकेट पंडित विराट की फील्ड प्लेसिंग से लेकर बॉलिंग चेंज तक पर सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि इस कप्तान की टीम से सबसे ज्यादा खफा खिलाड़ियों की बातें आती हैं? ऐसा क्यों है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये कप्तान अपने ही खिलाड़ियों से बातें कम करता है? खैर, ये वर्ल्ड कप तो गया, विराट भी जा रहे हैं कप्तानी से। सवाल ये है कि क्या किसी और की कप्तानी में खेल पाएंगे? क्या उनमें सचिन वाली बात है? आज तक ब्यूरो बताइए, वक्त क्या चीज है?
वही विराट कोहली, हर रोज 100, हर रोज भारत को मैच जिताना, लेकिन आज वो 100 नहीं, वो जीत भी बड़े मैचों में नहीं मिल रही है। सनी भाई, अगर आप इस वर्ल्ड कप के दो मैचों को देखें, भारत पहले मैच में जब उतरा तो एक प्लान लेकर उतरा, जाहिर तौर पर वो प्लान था, लेकिन एक ही हार के बाद आपने सब कुछ बदल दिया। आपने सबसे पहले क्या किया, दो बदलाव किए, वो ठीक है, उसके बाद आपने बैटिंग ऑर्डर बदल दिया, आपने न सिर्फ रोहित शर्मा का बल्लेबाजी क्रम बदला बल्कि विराट खुद नंबर 4 चले गए। फिर पहले मैच में आपने नया बॉल अगर भुवनेश्वर और शमी के साथ कराया, दूसरे मैच में आप बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के पास चले गए, यानी कि आपको खुद अपने पहले प्लान पर विश्वास नहीं रहा। क्या इस मैच में भी आपको वही बैटिंग ऑर्डर दिखेगा अफगानिस्तान के खिलाफ जो पिछले मैच में था, यानी कि राहुल, ईशान किशन, रोहित शर्मा और विराट कोहली? शायद नहीं, शायद जो पिछले मैच में हो उससे वो जो बदलाव होगा वो कि रोहित राहुल के साथ ओपन करेगा और नंबर 3 पर विराट आएंगे, नंबर चार या 5 पर ईशान किशन आएंगे। और ये भी हमें पता नहीं है अभी कि क्या सूर्य कुमार यादव फिट है, क्योंकि कल परसों के मैच में सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप नहीं किया गया था, सूर्य कुमार यादव की पीठ की कोई कठिनाई थी, इसी की वजह से उनको उनके जगह ईशान किशन खेले थे। तो अगर सूर्य कुमार यादव फिट है तो सूर्य कुमार यादव की भी वापसी हो सकती है नंबर 4 पर मुझे लगता है कि ईशान किशन को नंबर 4-5 पर आप नंबर देंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर जब बल्लेबाजी करने आएंगे तो शायद 5-6 ओवर बचे होंगे, तो वहां पे अपना बल्ला आसानी से मतलब बिंदास घुमा सकते हैं। शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई होती है क्योंकि उनको पता नहीं होता कि किस तरह से बल्लेबाजी करनी, कितने रन चाहिए अपनी टीम को जब आप पहले बल्लेबाजी करते थे, क्योंकि जब आपके पास रन रेट नहीं होता तो आप ये सोचते कौन सी रन रेट ऑपोजिशन को सेट करनी है। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि जो चेंज होगा तो सिर्फ वही होगा कि रोहित अपनी जगह पे वापस आएंगे ओपनिंग में, और ईशान किशन अगर खेल रहे हैं तो नंबर 4 या 5 पर बल्लेबाजी करेंगे। फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सनी भाई, क्योंकि राशिद खान, मुजीब और नबी, इनको भी निपटना है, कैसे निपटना है ये तो हम करेंगे अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, रात 8 बजे डिस्कशन होगा, आप भी आइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और जुड़िए, अपने सुझाव भी दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स तक का ऐप है उसमें अपडेट आ गया है, अब ये ऐसा ऐप बन गया है कि आपके फोन में होना ही चाहिए, इसको डाउनलोड भी कीजिए। तो पाकिस्तान अगर आज जीतता है तो वो सेमीफाइनल की टिकट अपनी पक्की कर लेगा, जैसे इंग्लैंड ने भी शायद अपनी टिकट पक्की कर ली है, लेकिन आप आइए फटाफट से आप देखिए भारत की टीम, कल अफगानिस्तान का मैच हम और आप मिलकर प्रीव्यू करेंगे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, जो 58 लाख से ज्यादा का परिवार हो चुका है, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है उसे सब्सक्राइब तो कर लीजिए। रात 8 बजे हम और आप करेंगे आज के एजेंडा में वही, अफगानिस्तान को कैसे तोड़ना है।